को लेकर यूपी बीजेपी चलाएगी गांव चलो अभियान। गांव चलो अभियान को लेकर बीजेपी की लखनऊ में आज बड़ी बैठक है और बैठक में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और अभियान जिला संयोजक मौजूद रहेंगे। बीजेपी की बैठक सुबह 11 बजे होगी। विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में ये बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब गांवों में अभियान चलाएगी, गांवों में चौपाले लगाएगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज एक अहम बैठक करने जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, इसके अलावा संगठन के जो राष्ट्रीय सह महासचिव है वो मौजूद रहेंगे, शिव प्रकाश जी, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी जिला अध्यक्षों, सभी जिला संयोजकों को और लोकसभा प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। मंथन होगा कि आखिर किस तरीके से गांव चलो अभियान को और धार देनी है और जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दुरुस्त किया जाए और पीएम मोदी और योगी सरकार के जो कामकाज हैं उनको गांव गांव जन जन तक पहुंचाया जाए। बीजेपी की रणनीति है कि गांवों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करना है, उन गांवों में चौपाले लगानी है, गांवों में संगठन के बड़े नेता उतारे जाएंगे, स्थानीय जो सांसद विधायक वहां पर गांवों में लगातार चौपाले करेंगे और उसके अलावा जो बड़ी चौपाले होंगी उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी से लगा के प्रदेश पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से लगा के केंद्र सरकार के मंत्री सभी मौजूद रहेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब गांव स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अपने चुनावी अभियानों को भी धार देने जा रही है। यही आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा और उसके बाद अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। ठीक है संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम आवास पर सुबह 9:45 पर सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र बदायूं में स्थापित किया जाएगा। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहने वाली है 9:45 पर, क्या जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल बदायूं में सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और पहले इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद बदायूं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी निकलेंगे। 1:30 बजे वो बदायूं पहुंचेंगे। इससे पहले 9:45 पर सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक सीबीजी का उद्घाटन किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ 8 सीबीजी यानी कि बायोगैस संयंत्र 8 और उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, उनका भी शिलान्यास की आज रूपरेखा रखी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आज का ये कार्यक्रम अहम है। बायोगैस के मामले में उत्तर प्रदेश को मजबूत करने में लगातार सरकार जुटी हुई है। केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। 9:45 पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे के बाद में जो खिलाड़ियों को पुरस्कार देना है वहां पर जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं के लिए निकलेंगे। 1:30 बजे बदायूं में ये सीबीजी जो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और 8 जो बायोगैस संयंत्र हैं उनकी और शिलान्यास किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत। सीएम योगी आज बदायूं के दौरे पर भी रहेंगे और सीएम एचपीसीएल के एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। सीएम के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दातागंज इलाके में सीएम योगी की जनसभा होगी। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी दोपहर 1:20 पर बदायूं पहुंचेंगे, जिस इथेनॉल प्लांट का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। उस प्लांट में बनने वाले इथेनॉल को खेतों की पराली से बनाया जाया करेगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का सपना पूरा होगा। सीएम योगी महिला पीएसी बटालियन और बिजली घर का भी निरीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो पराली से प्रदूषण की समस्या बनी हुई है,
खासतौर से ये देखा जाता था कि जो धान की पैदावार होने के बाद में फसल काटने के बाद जो फसल अवशेष होता है कृषक उसको खेतों में जला दिया करते थे, उससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके दृष्टिगत ये जो नई तकनीकी इन्होंने इसमें इसका आविष्कार किया है और जो पराली धान के अवशेष के रूप में बचती है उसको इस तकनीक के द्वारा ये नेचुरल गैस में परिवर्तित करते हैं और उस तकनीक का इस्तेमाल इस प्लांट में किया जा रहा है। और खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।